दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप जेम पे रजिस्ट्रेशन करके आप अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो कुछ डाउट्स थे दोस्तों, आइए हम इसको समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये जेम है क्या। दोस्तों, पहले आपने देखा होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी अलग अलग वैकेंसीज निकालती थी, अलग अलग टेंडरिंग प्रोसेस प्रोक्योरमेंट के लिए अलग अलग टेंडर निकालती थी। वो चाहे पीएसयूज रही हों, चाहे रेलवे रहे हों, चाहे बैंक रहे हों, या फिर पावर सेक्टर की कोई प्लांट रहा हो, या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट रही हों, तो वो अलग अलग टेंडरिंग साइट्स थी उनकी। उस साइट पे वो अपने टेंडर्स निकालते थे, उनके जो भी सर्विसेज होती थी या जो भी प्रोडक्ट होते थे उनका प्रोक्योरमेंट के लिए वो टेंडर निकालती थी और वहां से वो प्रोक्योरमेंट करती थी। तो इसको देखते हुए दोस्तों, गवर्नमेंट ने 2016 में इसको सेंट्रलाइज कर दिया कि पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, जितने भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, या जितने भी पीएससीज हैं और उनके अलग अलग सेक्टर के अपने ऑफिसेज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे डिपार्टमेंट एक जगह से अपना प्रोक्योरमेंट करेंगे, दैट इज एक जगह से टेंडरिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये क्यों किया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो हम उसको समझते हैं कि रीजन क्या था इसका जो सिस्टम जेम्प ने बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सिस्टम बनाया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जिस तरह से दोस्तों हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मेसो पे जाके अपने प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, और वो दोस्तों होता है प्राइवेट, बट इस पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लोग ही या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ही अपने प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी इस पे जाके प्रोडक्ट को परचेज कर ले। इसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ही यहाँ से प्रोक्योरमेंट कर सकती हैं, सामान को खरीद सकती हैं और जो उनकी सर्विसेज हैं उनको ले सकती हैं। दोस्तों, क्यों लाया गया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन रहा, क्योंकि सबसे पहले इन सबको एक सेंट्रलाइज जगह पे कर दिया गया, जिससे कि जितने भी छोटे उद्योग वाले हैं, जितने भी छोटे सेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर पाएं और उसका बेनिफिट ले पाएं। साथ ही दोस्तों, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी हद तक होने लगी, क्योंकि आप एक जगह बैठ के पूरे इंडिया का ट्रेंडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको अब अलग अलग वेबसाइट्स पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की जो उनकी वेबसाइट्स, उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सारे टेंडर्स प्रोडक्ट और सर्विसेज के एक ही जगह पे अवेलेबल होंगे। आप यहाँ पे रजिस्टर करके सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और जितने भी आपके लिए एलिजिबल टेंडर्स होंगे उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, इनका एक अपना वेबसाइट है jem.gov.in पे, g फॉर गोवा, e फॉर इंग्लैंड, m फॉर मुंबई .gov.in, jem.gov पे जाके आप जो है साइन अप करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही फ्री है दोस्तों। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करते समय दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन दो तरह से कर सकते हैं। एक तो दोस्तों आप रीसेलर की तरह से कर सकते हैं, दैट इज कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट को आप रीसेल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दैट इज OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, अगर आप वो हैं तो OEM की तरह भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों रीसेलर में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आपको GST नंबर चाहिए, आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स चाहिए, आपका इंडिया में ऑफिस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें मैंडेटरी हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप
रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें कोई भी फीस आपको नहीं लगता है, सिंगल रुपीज भी आपको कहीं पे एक्सपेंस नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ gem.gov.in पे जाना है और आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि इस पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लिस्ट करना पड़ता है। जैसे ही दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लिस्ट करेंगे, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जब भी कोई गवर्नमेंट, जब भी कोई डिपार्टमेंट कोई प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर निकालेगा तो उसकी डिटेल आपके पास ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा। अगर उससे रिलेटेड है देन आपका आपके पोर्टल पे, आपके डैशबोर्ड पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस डिपार्टमेंट ने इस प्रोडक्ट के लिए ये नोटिफिकेशन या प्रोक्योरमेंट का टेंडर निकाला है, तो आप वहां से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों कुछ कॉशन मनी भी देना पड़ता है, कॉशन मनी इम्प्लीमेंटेशन का भी सिस्टम लाया गया है और वो ज़्यादा नहीं लगता है और वो कुल मिला के 5 से 10 हज़ार रुपये लगता है। वो डिपेंड करता है कि कितना टेंडर है या कितना आपका टर्नओवर है, उसके अकॉर्डिंग लगता है। सपोज दैट दोस्तों किसी एक रिसेलर का या OEM का जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए है, तो इसमें जो कॉशन मनी जाती है वो 5,000 रुपीस जाती है। अगर दोस्तों 1 करोड़ से ऊपर उनका ट्रांजेक्शन है देन इस केस में 10,000 कॉशन मनी जाती है। और ये दोस्तों जो पैसा आप दे रहे हैं कॉशन मनी, ये स्पेशली आपके डैशबोर्ड पे ही शो करता रहेगा, आप वहां पे दिखाता रहेगा। ये सिस्टम लाया क्यों गया इसके लिए सबसे पहले हमें समझना है। पहले क्या हुआ करता था दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सिस्टम पे बैठे हुए हैं और अपने प्रोडक्ट का लिस्ट उन्होंने कर रखा है अपने पोर्टल पे, और जब किसी डिपार्टमेंट ने कोई प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर डाला वो उस टेंडर को एक्सेप्ट भी कर लेते थे, या प्रोक्योरमेंट में टेंडर में वो सेलेक्ट भी हो जाते थे, बट जो प्रोडक्ट की डिलीवरी होनी चाहिए वो नहीं कर पाते थे। तो इस केस में क्या होता था कि वो डिपार्टमेंट, आप भी समझते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट को परचेस करना बड़ा ही टिपिकल काम है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कई डिपार्टमेंट से उनको परमिशन लेनी पड़ती है, उसी डिपार्टमेंट के एक ऑफिस के डिपार्टमेंट से अलग अलग टेबल पे फाइल घूमती हुई तब किसी एक चीज को फाइनल किया जाता है कि इसका प्रोक्योरमेंट किया जाए या इस प्रोडक्ट को परचेस किया जाए। तो इस केस में दोस्तों उनके टाइम लॉस हो जाते थे, आप जब प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं करते थे इस केस में काफी उनका लॉस होता था, टाइम का नुकसान होता था और पूरे सिस्टम को फिर से करना पड़ता था। तो इस चीज को देखते हुए दोस्तों कंपनी ने ये पॉलिसी लाई कि अगर आप जो आपने टेंडर लिया है या जो भी प्रोडक्ट आपका है आपने उसको उस ऑर्डर को ले लिया है देन अगर उसको आप नहीं फुलफिल करते हैं तो इसमें कुछ पेनल्टी के प्रोविजंस हैं, कुछ पेनल्टी के इसमें गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें से पैसे डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऐड करके गवर्नमेंट को अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक इसमें जो है जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हैं वो इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। इसमें प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट दैट्स आपके आईटी के हो सकते हैं, फर्नीचर के हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट आपके जितने भी हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो आपका LCD हो, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, चाहे कोई हॉस्पिटल के लिए BP मशीन हो, या फिर कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस पोर्टल पे मिलेगा, बट वो प्रोडक्ट होने चाहिए। बात करें सर्विसेज की दोस्तों, तो सर्विसेज में ढेर सारी आप चीज़ें दिखेंगे आपको। मैं प्रोडक्ट दिखा दूँ, प्रोडक्ट इसमें क्या क्या है दोस्तों। प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए ऑक्सीजन गैस एंड एसेसरीज है, मेडिकल के हैं, ठीक है, चेयर हैं, सेफ्टी फायर सेफ्टी के हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये आपके प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अगर इसको हम एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर द मार्केट, मार्केट को एक्सप्लोर करें, तो इस केस में देखें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और जो बायर होते हैं दोस्तों वो अपने प्रोडक्ट को जैसे ही सर्च करते हैं कि सपोज दैट किसी को एक चाहिए होता है, कि बात कर रहे हैं उनको फायर सेफ्टी के लिए टैंक चाहिए होता है,
तो उसके लिए जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारी चीजें इसमें आ जाते हैं। तो यहां से देखेंगे दोस्तों तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप बाय नेम सर्च कर सकते हैं और वो आपको यहाँ पे इजिली मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों सर्विसेज की। तो सर्विसेज में दोस्तों जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड का है, उसकी सर्विस हो गई, कोई पेस्ट कंट्रोल का काम कर रहा है, उसकी सर्विस हो गई, या फिर कोई आपका जो है इलेक्ट्रिकल का या इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी प्रोडक्ट है उसकी एनुअल मेंटेनेंस का है, तो ये आपकी सर्विसेज में आ गई। आईटी प्रोडक्ट हैं उनकी सर्विसेज में आ गई। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप जो सर्विसेज है, पॉपुलर सर्विस कैटेगरीज क्या क्या हैं, सिक्योरिटी मैन पावर का हो गया, कैटरिंग का हो गया, ह्यूमन रिसोर्स का हो गया, क्लाउड का हो गया, व्हीकल हायरिंग का हो गया। ये सारे आपके जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं ये पॉपुलर हैं, ये सारी इनकी कैटेगरीज हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जब इनका प्रोक्योरमेंट की बात आती है तो इस कंडीशन में जो रीसेलर होता है वो अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करे। उसने अपना लॉगिन कर लिया, अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, अब वो अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करे इस चीज के बारे में हम जानते हैं। तो जो बायर होते हैं दोस्तों, जो खरीदने वाले होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो ही आपके प्रोडक्ट को परचेज यहाँ पे करते हैं। तो इस केस में अगर किसी भी डिपार्टमेंट को सपोज दैट एक लैपटॉप की जरूरत है, देन वो सर्च करेगा लैपटॉप, या अपना प्रिक्योरमेंट का पूरा सिस्टम बनाएगा और उसको यहाँ पे अपलोड करेगा। जैसे ही दोस्तों वो अपलोड करेगा, इस केस में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस डिपार्टमेंट से इतनी रिक्वायरमेंट लैपटॉप की आई हुई है, डेस्कटॉप की आई हुई है। तो इसमें दोस्तों जो बायर होते हैं उनको खरीदने के दो तरीके होते हैं, क्या, एक तो वो डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, दूसरा आपका टेंडरिंग का प्रोसेस होता है या फिर वेटिंग का प्रोसेस होता है। तो जो डायरेक्ट सेल परचेज कर सकते हैं उसके लिए एक तरीका है, 25 से 5 लाख तक का जो प्रोडक्ट होता है या 5 लाख तक का प्रोडक्ट वो डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट आपके अपने लिंक पे जाके वहां से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। उससे ऊपर की जब होती है तो उसमें बिडिंग का सिस्टम होता है, वो अपना टेंडर निकालते हैं, उसमें जो लोग भी अपने टेक्निकल और फाइनेंशियल अपने बिडिंग देते हैं, उसके बाद उनका वहां पे जिनका भी बिट कम होता है उनका सिलेक्शन या उनका सिलेक्शन हो जाता है उस टेंडर को फुलफिल करने के लिए। डायरेक्ट ऑर्डर में ही दोस्तों दो चीजें होती हैं, अगर सपोज दैट 25,000 तक का कोई प्रोडक्ट है तो वो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली आपको आपके लिंक पे पे करके वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। अगर 25,000 से ऊपर का कोई प्रोडक्ट है और 5 लाख के बीच का कोई प्रोडक्ट है, इस केस में दोस्तों उनको ये दिखाना पड़ता है, सपोज दैट किसी को, किसी डिपार्टमेंट को एक लैपटॉप की जरूरत है, तो वो क्या करेगी, पहले लैपटॉप को सर्च करेगी। तो अलग अलग ब्रांड्स की, अलग अलग कंपनी के अलग अलग मॉडल्स को वो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो 25 से 5 लाख तक के बीच में जो भी होता है उसमें क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। आफ्टर कंपेयर ही आप उसको ले सकते हैं, मतलब उनको दिखाना पड़ता है कि मैंने 3 प्रोडक्ट्स का कंपेयर किया है, उनका टेक्निकल और फाइनेंशियल ये डिफरेंस है और उनमें से ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि इनके टेक्निकल ठीक है और प्राइसिंग भी ठीक है। तो इस केस में दोस्तों आप जाके 5 लाख तक के प्रोडक्ट को आराम से डायरेक्टली कंपनी आपसे खरीद सकती है। अब बात करें दोस्तों कि इसमें पेमेंट टर्म्स क्या हैं, कि पेमेंट जो है कितनी जल्दी इसमें मिल जाता है। अब दोस्तों क्या है कि पेमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का काम है तो इसमें थोड़ी डिले होती है, बट इतनी नहीं होती जितना कि पहले आपको हुआ करती थी। जब दोस्तों आपको ऑर्डर मिल जाएगा, इसके बाद आपको जो आपने ऑर्डर लिया है उस ऑर्डर के बाद आपको प्रोडक्ट को उस ऑफिस तक पहुंचाना पड़ेगा, वहां पर डिलीवरी करवानी पड़ेगी। डिलीवरी के बाद आपके जितने भी स्पेसिफिकेशंस होंगे टेक्निकल, उन सारे स्पेसिफिकेशंस को चेक किया जाएगा, अगर वो स्पेसिफिकेशंस ठीक हैं आफ्टर दैट आपको जो है पेमेंट किया जाएगा, और पेमेंट एक हफ्ते से लेके एक महीने के बीच में लग जाता है, इस तरह से आपका पेमेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से जेम से रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों को जेम के बारे में पता चल सके और वो भी
गवर्नमेंट के साथ बिजनेस या व्यापार कर सकें। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।